साइड में रोला काटने का प्रोसेसिंग चल रहा है यहाँ पर। तो सीट ठोंक के साइज करके देखिए, साइज करने के बाद इस तरह से साइज हो जा रहा है चारों साइड। इसको इस तरह से साइज करने के बाद अब इसको सर्कल काटेंगे। तो चलो सर्कल काटते, देखते कैसे सर्कल काटा जाता है, हम लोग देख लेते हैं। एक मेजरमेंट में मान लेना पड़ेगा, एक सेकंड रुक, उठा उठा, कितना 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 लेता है, उठा देखा। मतलब मेरा पास जो कटर है उस कटर का लेंथ का एक अंदाजन आपको इतना इतना जितना चौड़ा कटर है उतना चौड़ा आपको माल लेना पड़ेगा। उससे ज़्यादा लेंगे तो नहीं कटेगा माल, उससे थोड़ा कम भी होगा तो ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना छुरी का चौड़ाई है उतना माल एक बार में काटने का। तो इस तरह से माल जाएगा अभी मशीन में। इसका वजन कितना होगा लगभग? 30 किलो। इसका वजन लगभग 25 से 30 किलो तक इसका वजन आ जाएगा। तो इसको थोड़ा टाइट लगता है यहाँ घुसाने में, तो थोड़ा टाइट से पकड़ के इसको घुसाना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद इसको थोड़ा सीधा फैला देना पड़ेगा। देखिए अब एक सेकंड हटिए, देखिए पूरा सीधा फैल गया। अब इसको काटने का प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पंचिंग मशीन है, इसको उसके बाद अभी इसको साइज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, उसको साइज कर लेने के बाद अभी काटेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं कटर है, ये कटर का जो लेंथ है मतलब तो जो चौड़ाई है एक उंगली के बराबर। तो यहाँ पर जो माल लिया है देखिए, अब इसको थोड़ा सा मोबिल लगा दे रहे हैं छुरी का डस्ट, मुझे डस्ट लग जाता है तो उसको डस्ट पहुंच देते हैं। अब इसको काटना स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करते हैं? ऐसे देखा है थंबनेल का, एक फोटो ले लेंगे क्लियर हो जाए ठीक से। ले 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 स्टार्ट कर। गाइस अगर आप लोग मेरा वीडियो नया देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और माल का जरूरत है तो कमेंट में बताइए। ले स्टार्ट कर। अब हो गया मशीन स्टार्ट, उसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। थोड़ा सा रेस्ट होने के बाद अब काटना स्टार्ट करेंगे। हमें अब क्या है, ये जो प्लेट है इसको अंदर पुश करना पड़ेगा। तो कैसे पुश किया जाता है देख लीजिए। अच्छा, अब स्टार्ट। अब इसको अंदर पुश करने के बाद अब ये जो लीवर है इससे वो वाला डाउन होगा। देख करो, अब एक तो सर्कल कट चुका है, तो दिखा उसको किससे, उसको नहीं। देखिए अब पूरा सर्कल कट गया है। ये लगभग एक इसका वजन होगा आपका तीन किलो, 3.5 किलो का आसपास इसका वजन रहेगा। पूरा 6 टका का वजन है। उसके बाद फिर से इसको समेट लेना पड़ेगा, थोड़ा बिखर गया है, उसको वापस ठीक करने के बाद फिर से काटने का प्रोसेस करेंगे। पूरा फुल एक तो सीट काट के दिखा रहा है, आप देखिए सेम प्रोसेस है, एकदम इजी काम है, आप कोई भी कर सकता है, थोड़ा हिम्मत होना चाहिए बस और कुछ नहीं। इसमें थोड़ा सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, ये काटर है बहुत शार्प है, अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो मतलब उंगली चले जाने वाला है। दूसरा भी कट चुका है, आप देखिए इसको कट गया है, ये वाला कट गया ठीक है, उसको रखो। अब जो है थोड़ा बहुत जो इधर उधर निकल के है उसको कहीं से हम लोग काट देते हैं ताकि काम में कोई दिक्कत ना आ जाए।
गोलगप्पा खाने वाला सेट। आप जो निकलेगा गोलगप्पा जो आप लोग खाते हैं वो वाला प्लेट निकलता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं भत्ती हुआ है वो वाला यहाँ से कटता है, उसके लिए अलग कटर है, उसका कटर दिखा दो पहले। इसका यही कटर है उसका, तो इसको भी सेम प्रोसेस से काटना है। अभी कट चुका है, देखिए पूरा साइज से कट गया है। ठीक है, रख दो इधर। एक सीट में 6 डिज़ाइन होता है और 2 गोलगप्पा वाला साइज होता है या फुचका साइज हम लोग जिसको बोलते हैं। छेठो सर्किल काटने के बाद आपका लगभग आपका वेट आ जाएगा 20 किलो, बाकी जो है छांट में चला जाता है। देखिए पूरा सर्किल कट रहा है, तो फिर से इसको वापस से समेट ले रहा है, उसके बाद काटेंगे ताकि डिज़ाइन जो है सर्किल में आ जाए, नहीं तो डिज़ाइन इधर उधर भाग जाएगा, तो डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, मतलब सर्कल में डिज़ाइन नहीं आता है। अब सर्कल का अनुसार डिज़ाइन के अनुसार आपको कटर को बैठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वापस से अंदर करने के बाद ये वाला फिर से कट गया है। ठीक है, ठीक है, रखो। हर बार काटने से पहले आपको जो कटर है उसका शार्पनेस, जो फ्रंट साइड है जहाँ पर शार्पनेस है उसको साफ करना ज़रूरी है। उसमें जो डस्ट लगा हुआ आता है उसको थोड़ा हटाना पड़ता है, और उसमें वो कपड़ा में थोड़ा तेल भी लगा हुआ है जिसके वजह से थोड़ा चिकना भी हो जाता है। इसको वापस से काट लेते हैं। वीडियो बंद करिए, छः का 6 कट चुका है। फिनिश।
रात का 11:30 बजने चला है, तो अभी आजकल ये काम बंद है। सब लेमिनेशन करने के बाद रखा हुआ है, ये देख रहे हैं करने के लिए तो 2-3 आदमी का जरूरत रखता है। तो अभी स्टाफ लोग घर चला गया है, तो इसका लोग सेटअप पूरा बंद करने वाले हैं, लाइट वगैरह सब बंद कर देंगे। देखते हैं रूजा, बाहर कितना जो ट्रिपल रखा हुआ है, पूरा माल का एकदम कच्चा माल का स्टॉक रखा हुआ है। उस साइड में ब्लैक ट्रिपल को उस साइड में पूरा एकदम माल लगा हुआ है, करीबन आपका 25 टन के आसपास मेरे पास पूरा स्टॉक में माल है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आपको कच्चा माल का ज़रूरत है कमेंट में बताइए।